बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री हब और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री आर्नो। सो जय श्री राम। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री टूक प्लेस, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग चल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आप क्या सोचते हो बेटा कि ये जो केमिस्ट्री है आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आज की केमिस्ट्री है या फिर ये जो साइंटिफिक दौर आप लोग मानते हो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली हम लोग अभी जी रहे हैं, हम लोग पहले के जैसे जो बोलते हैं ना कि अनपढ़ गवार या ऐसे नहीं है, क्या आप ये सोचते हो बहुत ज़्यादा अनपढ़ हम लोग पहले बहुत, या हमारे साधु संत जो थे वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ या गवार थे, उनको नहीं पता था हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं? रियली अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो बेटा सॉरी टू से बहुत गलत सोचते हो। मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो पहले के जो हमारे साधु संत थे वो साधु संत हाईली साइंटिफिक नेचर के थे और इतने बड़े साइंटिस्ट थे, दे वर द रेनाउंड साइंटिस्ट, इवीनियन साइंटिस्ट। फर्क इतना है, उन्होंने चीज़ों को उस वक्त के समाज में ऐसे बताया ताकि वो एक्सेप्ट कर ले, दे हैव रिलेटेड द साइंटिफिक फैक्ट्स विद द व्हाट द rather I say that the mythological stories, but the facts related with the god and some mythological events, ऐसे उन्होंने जोड़ दिया। मतलब कैसे भगवान के साथ या कुछ क्या हम कुछ नेचर, मतलब जो बोलते हैं सुपर पावर है उसके साथ ऐसे जोड़ दिया, बट वो सारे साइंटिफिक थे। देखिए मैं दो चीज़ बता दूँ, एक तो मैं ये बता दूँ आपको कि हमारा जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है, साइंटिफिक हिस्ट्री, चाहे हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स करें, पूरे साइंस की बात करूंगा मैं यहाँ पर, केमिस्ट्री में आता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, बट पूरे साइंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारा, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे। बीच के दौर में हमको पता नहीं चल रहा था, हम उनको गवार मानते थे या फिर वो अंधश्रद्धा ऐसे मानते थे, बट अभी सब मानने लगे कि यस दे वर रियली साइंटिस्ट। हाउ? अरे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम की बात हम जो करते हैं ना, एटम, व्हाट इज एटम? Smallest indivisible particle of an element which cannot be further divided chemically. Chemically, मान के चलो कि ये हाइड्रोजन का एटम है, तो ऐसा पार्टिकल जिसको हम केमिकली फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको एटम कहते हैं। कब पता चला भाई? हजारों साल पहले तो महर्षि कन्नड ने बता दिया कि परमाणु है वहाँ पर, महर्षि कन्नड ने पहले ही बता दिया कि क्या है, परमाणु है। आप अगर अपने इतिहास को खंगोल के देखोगे, देखिए मैं बताता हूँ, जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, अब ये बात करते हैं हम एटम की, तो कन्नड़, महर्षि कन्नड़ ने बताया था एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला वो खुद लिखता है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि मुझे कहाँ से मिली है ये प्रेरणा, मुझे प्रेरणा मिली है ये कहाँ से, महाभारत से। जो ब्रह्मास्त्र यूज करते थे, ब्रह्मास्त्र वेपन उनका जो पावर होता था वहाँ पे, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हम मानते हैं, एक्चुअल दे आर रियल, व्हाट आई बिलीव इन दैट, सो वो पावर इक्वेलेंस उतना ही था। जितनी भी डिस्कवरीज फॉरेन में हुए हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों से ली हुई है। इसका मतलब क्या है कि यस, ये मैक्सिमम चीज़ें हमारे इंडिया में डिस्कवर हुई है और बहुत पुराना इतिहास है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो संस्कृति को आप देखोगे वहाँ पे, उनके पास ग्लेज पॉटरी बनाने की टेक्निक थी, इसका मतलब वो तब से केमिस्ट्री चला आ रहा है। ग्लासेस जो है महाभारत या रामायण में भी बने हुए थे, इसका मतलब वहाँ पर भी था। वो सल्फर, फिर सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाना, ये टेक्निक वो जानते थे। सल्फर को अलग अलग जगह में यूज़ करना जानते थे, मतलब मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं और केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको बनाना वो जानते थे। आप एक सिंपल, एक छोटी सी चीज़ सोच के देखो, आप चाहे इजिप्ट का कंस्ट्रक्शन हो, अपने यहाँ का ताजमहल हो, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो, वो कितने ज़्यादा साइंटिफिक थे, उनके पास कितना ज़बरदस्त टेक्निक था। They were well aware about this all scientific reaction, facts, elements and everything. हालांकि हम अभी जो है, जो नालंदा तक्षशिला क्या पढ़ाई होती थी, अभी तो हम लोग जैसे ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे कमी रह जाती, ना हम उस तरीके से पढ़ा पाते ना आप लोग उस तरीके से पढ़ पा रहे हो, बट सोचो क्या प्रेस्टिजियस परंपरा थी हमारी। तो केमिस्ट्री आज का नहीं है, आप अगर अच्छे से हिस्ट्री को टटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको वो अलग अलग रस संहिता बोल रहे, सुश्रुत कह रहे, वो अलग अलग जगह में आपको दिखाई देगा। ओवरऑल मुझे ये बताना है, पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं बताऊंगा उतना, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ है। तो यू विल फाउंड दैट डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इज नॉट ऑफ द टूडेज मैटर, सिंस द एंशिएंट एरा द केमिस्ट्री, एक्चुअली ये स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है आपको पता है? एक पत्थर है, उसका नाम है पारस पत्थर।
पारस पत्थर ये एक ऐसी, इसमें कितनी सच्चाई आई डोंट नो, लेकिन वो इमेजिनरी है आई होप दैट, कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है कि आप किसी भी एलिमेंट को अगर आप टच करते हो, वेदर इट इज द कॉपर आयरन वॉट एवर इट मे बी, इट कन्वर्ट्स इनटू द गोल्ड। वो क्या करता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप कोई भी लो, अगर मैं यहाँ पे बोल, ठीक है ना, AU, AU मीन्स गोल्ड आरम, आप कोई भी लो, कॉपर लो या फिर आप AG सिल्वर लो या आयरन, वॉट एवर इट मे बी, अगर आप पारस पत्थर यहाँ पे लगाते हो, पारस पत्थर, तो पारस पत्थर क्या करेगा, इन सबको गोल्ड में कन्वर्ट करेगा। इट इज बिलीफ, सो दैट इज नथिंग बट इट इज कंसिडर्ड दैट, कि शायद कहीं ना कहीं वो एंशिएंट एरा में आप वहाँ पे बोल सकते हो कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, या उगम नहीं बोल सकते आप लोग वहाँ से। सो ये जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इज नॉट ऑफ द टुडेज गैल और द टुडेज मैटर, ये बहुत एंशिएंट एरा से हमारे पास था। पहली बार बहुत पुराने वक्त से केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली हमारे इंडियन संस्कृति में इम्बाइब था। इट वॉज इम्बाइब इन आवर द इंडियन कल्चर एंड द इंडियन सोसाइटी। इफ़ यू गो थ्रू द नंबर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द मोनूमेंट्स इन साइड अवर इंडिया, देन यू विल फाइंड ओके इट इज करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहली चीज़ की था बहुत पुराना। दूसरा, मैं मानता हूँ फॉर्मली कि 99% डिस्कवरी हमारे इंडिया में हुई है, इन लोगों ने चुराया है, कुछ बाहर के लोगों ने उसको चुराया है, मतलब उसको हमको दबा दिया और उसको उधर जाके आप एक्सप्रेस किया। आपको एक मैं बात बता दूँ, शायद आपको, आप में से कितने को पता है या नहीं पता है, ये जो हम लोग अभी के जो नाई समाज कहते हैं, नाई मतलब बाल काटने वाले, आपको पता है वो इतने बढ़िया सर्जन थे, बहुत ही ज़बरदस्त सर्जन थे। आप एक वक्त ऐसा था, मुझे उनका नाम याद नहीं, लॉर्ड समथिंग उनका नाम, उनका नाक कट गया था युद्ध में, जो नाक कट गया था, ठीक है, मुझे स्टोरी अच्छे से याद नहीं आ रही है। वो तो उन्होंने सोचा कि नाक काट दिया गया था, तो उन्होंने पेश अपने, शायद मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने युद्ध में उसका नाक काट दिया था। वो रिटर्न जा रहे थे अपने देश, फॉरेन जा रहे थे कंट्री, बट बीच में कर्नाटक के पास एक जगह में वो कहीं पर रुके, वहाँ पर एक नाई ने क्या किया, उनका नाक जोड़ दिया सर्जरी करके, और वो तकरीबन 7-8-9 दिन में वो ठीक भी हो गया, मतलब जॉइंट भी हो गया अच्छे तरीके से। वो गए फॉरेन और जाके बोलते, भैया आप ये क्या पढ़ रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर स्टडिंग ओवर हियर, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, आप इंडिया में जाओ और वहाँ से देखो, वहाँ से सीखो कि क्या होती है सर्जरी, क्या होता है, कि नाक को जोड़ दिया, कटे नाक को भाई। उस वक्त यहाँ पर आए सारे जो नाई, उनके जो सेंटर थे जहाँ पर सर्जिकल सेंटर थे, या फिर जो वहाँ पे दवाइयाँ करते, वो पूरे बंद करवा दिए, पहले टेक्निक सीख ले, उनको बंद करवा दिए। आज बेचारे जो हमारे नाई समाज के दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, उनको ये नहीं पता है कि भैया हम इतने बड़े सर्जन थे। हर जगह पैसा हुआ है, चाहे एरोप्लेन की डिस्कवरी बोलो, आप कोई भी डिस्कवरी बोलो, हर जगह पैसा हुआ है कि हमारा साइंस, हमारा केमिस्ट्री, हमारा फिजिक्स वेल डेवलप था बहुत पहले वक्त से। हम ही बहुत चीज़ें भूलते जा रहे हैं, चाहे मार्शल आर्ट बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो, इवन तो मैं बोलूँगा शायद गलत नहीं होगा, वो जो पौन चीज़ें हैं, मतलब जो सिक्स टेक्निक्स भी हैं, वो भी हमारे यहाँ से खजुराहो से, यहाँ से वहाँ से वो लेकर गए। मेरा ये मानना है कि जो फॉरेनर्स थे, दे वेर नथिंग बट दे प्योरली हार्डवेयर मटेरियल, पूरा सॉफ्टवेयर अपने यहाँ से गया है, घूम फिर के कंप्यूटर बन के आया है और बोलते देखो हम लोगों ने डिस्कवरी की और हम लोग मानते हैं। खैर, सो उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, कि जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग बात करते हैं, इज नॉट, ये क्या है, आज का नहीं है, समझ में आ रहा है, ये आज का केमिस्ट्री नहीं है। मैं आपको एक वीडियो में इसको सिस्टमैटिक और आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, अगर आप कमेंट करके बताते हो हाँ सर पूरा बताइए, तो मैं आपको सिस्टमैटिकली बताऊँ, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय श्री राम।